नमस्कार, एजेंडा को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं रमेश भट्ट। मैं शालिनी वर्मा। सारे देश की नजर आज आने वाले बजट पर है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पिटारे में क्या कुछ होगा, देश के विकास के लिए उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है, आने वाले वक्त की तस्वीर और देश की तकदीर क्या होगी, सरकार की नीतियों की झलक, या कहें कि इस पिटारे के खुलने के बाद देश, समाज, परिवार और कारोबार में क्या असर पड़ेगा, अगले दो घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरे देश की नजर आज आने वाले आम बजट पर है। क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट पर, सबकी निगाहें इसी पर हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब, उप संपादक द ट्रिब्यून के। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि पी चिदंबरम वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं अपने बजट के पिटारे को लेकर। पूरे देश को उनसे आशाएं हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं लोकसभा टीवी के माध्यम से। वित्त मंत्री पी चिदंबरम संसद भवन में आ चुके हैं। बजट वी वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदंबरम एंटरिंग इनटू द पार्लियामेंट। ही हैज द बजट एनक्लोज्ड। चाली चेहरे पे जरूर खुशी दिखाई दे रही है वित्त मंत्री पी चिदंबरम के, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो राजनीतिक समीकरण उत्तराखंड या कहीं पंजाब में जो बदला है, निश्चित तौर पर उसकी एक कसक वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ऊपर जरूर होगी। और महंगाई जो पिछले कई दिनों से मुद्रास्फीति जो जोर मार रही है, उसे थामने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी। लेकिन बहुत कुछ आशाएं देश की जनता को पी चिदंबरम से हैं। Absolutely, a lot can be expected from this budget, and obviously, as you said, Ramesh, that there have been a lot more which has been seen in the legislative in these assembly elections, as we've noticed. And obviously, the budget today has a lot more a bundleful of expectations from the public, and let's see what exactly will be. तीन महीने की जद्दोजहद का पूरा भरा हुआ है इस पिटारे में। तीन महीने से जद्दोजहद में लगे थे आर्थिक धुरंधर, खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाली थी, सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर चिंतित थी, लिहाजा उनकी ओर से संकेत लगातार दिए जा रहे थे वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कि किस तरह जनता का ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाई जो बढ़ रही है शहर और गाँव के बीच में, उसे किस तरह से पाटा जाए। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के तर्कश में ये पहला तीर होगा जो वह आज इस पिटारे से चलाएंगे। सतीश साहब मेरे साथ, सतीश मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब, राजनीतिक समीकरण बदले हैं दो चुनाव, जैसा कि कल रिजल्ट आए, क्या कुछ माना जाए कि इसका असर कहीं ना कहीं अब सरकार पे होगा? और निश्चित तौर पे जो गंभीर थी सरकार, कई कदम उठाए गए, लेकिन अब कम से कम ये तय माना जा रहा है कि आज जो सबसे बड़ी बात जो निकलेगी वो यही निकलेगी कि आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्यान्न, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, वो कम से कम अब सस्ते दामों में मिलेगी। इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनुराग दीक्षित, सीधे हमारे साथ लाइन पे हैं। अनुराग, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि महंगाई के साए में ये बजट आज पेश होने वाला है, क्या कुछ देख रहे हैं आप इस पिटारे में, क्या कुछ नए तीर चलाएंगे और क्या कुछ नया लेकर आएंगे भारत की जनता के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम? जी बिल्कुल रमेश, बताना चाहूँगा कि कल भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच पी चिदंबरम, वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, और उस सर्वेक्षण के जो नतीजे थे उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो आज बजट में देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर उस सर्वेक्षण में बात की गई थी कि जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करेंगे लोकसभा का, और आज जैसा कि नजर सभी की आम बजट पर टिकी है, देखते हैं क्या कुछ है इस पिटारे में। सूरजकुंड सांस्कृतिक विशेषता का जीता जागता मंच बन गया है। हर राज्य यहाँ अपनी विशेषताओं के साथ, अपनी सांस्कृतिक कलाकृतियों के साथ उपस्थित है। हर किसी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना जाए, तभी शायद उनकी सच्ची जीत होगी। रमेश भट्ट, लोकसभा टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आवाज आपकी बे, मैं हूं रमेश भट्ट। राजनीति में बहस होती रहती है, लेकिन बहस जब जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर उठती हो, और जो लगातार रुझान जनता का राजनीति के प्रति कम हो रहा है, लोकतंत्र के प्रति कम हो रहा है, जब ये बहस शुरू होती है तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं।
सवाल खड़े होते हैं जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर, सवाल खड़े होते हैं जो वादे किए जाते हैं जनता से, जो जनप्रतिनिधि वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते और निश्चित तौर में जनता फिर उन्हें चुनकर दोबारा नहीं भेजना चाहती। जो वोट फीसदी जो लगातार कम हो रहा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा 45% वोट पड़ा, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई जनता आज जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिज्ञों से खुश नहीं है? जनता जनार्दन से जानेंगे आज हम यहाँ पर कि क्या वजह है कि आखिर राजनीति में अब कोई उस पैमाने पे नहीं जाना चाहता जब राजनीति को समाज सेवा का एक बड़ा जरिया माना जाता था। बहुत सारी जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है, आज जनता से बात करेंगे सबके बारे में कि क्या वजह है, उनके क्या सुझाव है, आखिर कैसे जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं। और एक बहस जो जयप्रकाश नारायण के दौर से चल रही है कि अगर जनप्रतिनिधि ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी इस बहस में कहीं ना कहीं एक नई बात कही है, उन्होंने भी इस बात को सही साबित किया है। बहरहाल जनता से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं, क्या वजह आपको लगती है कि आज वोट डालने आम आदमी नहीं जा रहा है? आपको क्या लगता है क्या बड़ी वजह है इसकी? तो कहीं हमको भी वोट डाल करके देख लिया, जिसने भी वोट लेने के बाद अपना कुर्सी संभालने के बाद पब्लिक का जो काम है उसको जिस ढंग से करना है करता नहीं है। आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, आखिर कांग्रेसीकरण के पीछे आशय क्या है? नहीं, पार्टी ये नहीं कहती बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि अनुशासनहीनता के बारे में नेतृत्व चिंतित है, उसी बात को कहते हुए आडवाणी जी ने ये बात कही कि भी हमारे लिए ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, भाजपा नहीं जानी जाती थी। लेकिन जब भाजपा में वैसी अनुशासनहीनता होने लगी तो लोग कहने लगे, क्या बात, आपका भी कांग्रेसीकरण हो रहा है। नमस्कार, लोकमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं रमेश भट्ट। सब चीज प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पंडित नेहरू की इन पंक्तियों में मुहर लगा दी। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में साफ कर चुके हैं कि विकास सर्वसमावेशी होना चाहिए। शहर और गांव के बीच बढ़ रही खाई पाटने के लिए शायद सरकार ने बजट 2007-2008 में कई प्रावधान इसीलिए किए। किसानों की आत्महत्या से उपजी चिंताएं हो या बढ़ती बेरोजगारी, सरकार ने सभी से लड़ने की मंशा जाहिर की है। अब सवाल फिर वही कि नीतियां तो बन गई, पैसा भी बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या इसका सही फायदा जरूरतमंदों को मिल पाएगा? अगर हां तो मेरे गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, अगर नहीं तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपने कहा कि नाम में क्या रखा है, अनवरत विकास होना चाहिए, तो नाम बदलने की इतनी जद्दोजहद आखिर क्यों? यह राजनीतिक मजबूरी है या आपने अपनी चुनावी एजेंडे में इस बात को कहा था कि हम नाम बदलेंगे, उत्तराखंड रखेंगे, ये एक मजबूरी है? नहीं, हमने तो ये जब पहली असेंबली में राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ सन 2002 में, ये जब अभिभाषण हुआ मार्च या अप्रैल 2002 में, तो उसमें पहले पैराग्राफ में राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तराखंड का उल्लेख किया गया कि उत्तराखंड नाम हो।